नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत हुई है उसके बाद लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 4 आरोपियों को अब तक इस मामले में हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ अब इस मामले ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया है। लगातार सियासत भी इस मामले में जमकर हो रही है। 1 अगस्त का ये पूरा मामला था जहां पर दिल्ली कैंट के नांगल गांव में शमशान घाट के अंदर एक 9 साल की मासूम को उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार का आरोप ये है कि वहां पर उनकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद आनन फानन में उनकी बच्ची को जला दिया गया। जबकि ये भी कहा गया शुरुआती वक्त में कि बच्ची को करंट लग गया था, इसलिए वहां पर जो मौजूद पंडित था उसने बच्ची का अंतिम संस्कार किया। लेकिन बाद में परिवार ने ये आरोप लगाया कि उनकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद जल्दबाजी में मामले को दबाने के लिए बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, देश भर में अलग अलग जगहों पर इस मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या कुछ उन्होंने कहा ट्वीट के जरिए, पहले आपको वो बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की बात कही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि 1 अगस्त का ये पूरा मामला है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 3 तारीख को ट्वीट किया और 4 अगस्त को परिवार से मिलने की बात कही, जिसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसने रोका हुआ है, क्यों वो पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिलते, उनकी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो क्यों पीड़ित परिवार से नहीं मिल रहे हैं। क्या कुछ अलका लांबा ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है और उसके बाद परिवार की अनुमति कहें, सहमति कहें, उपस्थिति के बिना बच्ची के शव को जो है वो जला दिया जाता है। दिल्ली के अंदर अगर मैं कहूं 8 महिला विधायक हैं, 8 की 8 आम आदमी पार्टी से। दिल्ली के अंदर 1 महिला सांसद है जो भाजपा की और केंद्र में मंत्री भी है। अभी तक इनमें से किसी ने भी उस परिवार का रुख करके उस मां जो रो रही है, करह रही है, अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है, उसका हाथ पकड़ने तक का जो है वो कोशिश नहीं की। वहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री को मैं कल से देख रही हूँ, किसी को जन्मदिन की बधाइयां और कहीं कोई उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील हैं कि एक परिवार के साथ इतना कुछ हो गया, उनकी बेटी के साथ हो गया, संवेदना के एक शब्द नहीं कहे। थोड़ी सी भी मैं कहती हूँ शर्म अगर बची हो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना सरकारी बंगला छोड़कर, ऐशो आराम छोड़कर दिल्ली कैंट की उस माँ, उस परिवार को मिलेंगे, उस पिता को मिलेंगे जो आज न्याय मांग रहा है। थोड़ी तो शर्म दिखाइए आप लोग। देश के गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था है उनसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता है, लेकिन जिन्होंने दिल्ली सौंपी आपको, कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखाइए, जाइए मिलिए उस परिवार से अगर थोड़ी शर्म बची हो तो। तो ये आपने अलका लांबा को सुना। सिर्फ अलका लांबा ही नहीं बल्कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज 9 साल की गुड़िया की जिस तरह से दरिंदगी के साथ न केवल रेप किया, उसको मौत के घाट उतार दिया बगैर पोस्टमार्टम के जलाने का प्रयास किया गया। प्रश्न कई उठते हैं कि आखिर कितने हाथरस देश में बनेंगे, कितने हाथरस दिल्ली के अंदर बनेंगे। दलित बच्चों के साथ निरंतर उत्पीड़न न केवल यूपी में हो रहा बल्कि दिल्ली में भी घटनाएं निरंतर चल रही है। आखिर जवाब कौन देगा? ये इस तरह की जो क्राइम में क्रिमिनल मानसिकता के जो लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, जिन पे दावे क्या करते थे ये सबका जींस, ये लोग आखिर जवाब क्यों नहीं देते हैं? अपना मौन क्यों नहीं तोड़ते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते क्यों नहीं है इस परिवार का दुख जानने के लिए? 9 साल की गुड़िया के साथ रेप हो जाता है, उसको न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोग ये सड़कों पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है।
मिनिस्ट्री को नहीं पता है, जासूसी करा सकते हैं, जासूसी क्रिमिनलों की नहीं कराते। आए दिन बच्चे के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम के बगैर क्यों अंतिम संस्कार किया गया, माँ बाप के बगैर क्यों अंतिम संस्कार हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। तो जिस तरह से लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है ये पूरा मामला, उसके बाद आपको बता दें कि अब इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें फांसी दिए जाने की मांग चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी की। वो भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। मैं ये समझता हूं कि ये निकम्मी सरकार है, कानून व्यवस्था यहां खत्म हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था होती तो देश की राजधानी में अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है तो आप समझिए कि देश से बाहर, देश के अंदर जो गांव देहात है वहां क्या क्या नहीं सहते होंगे हम लोग। तो मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, जो इसी यहीं रहते हैं दिल्ली में और चंद मुझे लगता है 10-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं यहां से, उनको आना चाहिए था पीड़ित परिवार के बीच। और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस है, इसका ये हाल है कि वो मां ने बताया बच्ची की कि उसको पीटा गया जब वो थाने गई, तो पीड़ितों को पीटने वाले के लिए पीट के कौन सा न्याय देंगे? हाथरस का जख्म हरा है और एक और नया जख्म, क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये अन्याय बढ़ रहा है। अगर इन पे ठोस कार्रवाई होती तो मुझे लगता कि आज ये बेटी को हमें, ये हमारे बीच से ना जाती, इसको ना छीना जाता। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इसकी ठोस जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब ये हुआ है इसमें क्या क्या सबको जला देगा, कैसे क्या प्रूफ करेंगे, यानी कि अपराधी साथी रहे, तो इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और जिसमें परिवार संतुष्ट और जो संबंधित धाराएं उन पर मुकदमा दर्ज हो, आरोपी जो है उन पर सख्त कार्रवाई हो, वो लोग जेल में रहें और उनको सजा मिले। मेरी मांग है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। 9 साल की मासूम के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। शमशान घाट के अंदर ये बच्ची पानी लेने के लिए गई थी और उसके बाद जिस तरह से माता पिता ने आरोप लगाए हैं कि बलात्कार हुआ और उसके बाद जल्दबाजी में मामले को दबाने के लिए अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अभी इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना बाकी है। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।